हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं अपना, ओके जितने भी करंट अफेयर्स हमारे अभी तक के हैं और जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर बता रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, तो टॉप 20 क्वेश्चंस पर हम लोग नज़र डालेंगे कि भाई टॉप 20 क्वेश्चंस हमारे कौन से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उन टॉप 20 क्वेश्चंस पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर वन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स। ओके, अब देखो मेंटोरिंग यंग, अब बेटा यंग की बात अगर हम करें तो यंग का मतलब होता है नौजवान, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं युवा। ठीक है, तो युवा ऑथर्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी प्राइम मिनिस्टर स्कीम स्टार्ट की है, दैट इज युवा। ओके, तो भाई नाम से पता चल रहा है यंग के लिए क्या पूछा गया है, वो युवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बस क्वेश्चन नंबर टू, एज पर गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम दोज फैमिलीज हु हैव लॉस्ट देयर अर्निंग मेंबर ड्यू टू कोविड विल बी एंटाइटल्ड टू फैमिली पेंशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC इक्विवेलेंट टू -% ऑफ एवरेज डेली वेज ड्रॉन बाय द वर्कर। ओके, जो उनका मेन पर्सन जो अर्नर था वो डेथ हो गई इसकी कोविड में, तो कितना परसेंट दिया जाएगा, जितना वो कमाता था उसका कितना परसेंट दिया जाएगा बेटा, 90%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 90%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB डायरेक्टर बाय वन ईयर टिल जून 2020, हु इज द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका चीफ कौन है जिसका टेन्योर एक साल बढ़ा दिया गया, जो IB चीफ है। ओके, तो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स अरविंद कुमार। ओके, अरविंद कुमार, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंडिया इज डेवलपिंग अ मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट UN पीस कीपर्स इन इंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वॉट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास उसका ऑप्शन है यूनाइट अवेयर। ओके, यूनाइट अवेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पेनल्टी हैज बीन इम्पोज बाय RBI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन द HDFC बैंक फॉर वायोलेटिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस इन रिगार्ड्स टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिलेटेड टू ऑटो लोन पोर्टफोलियो टू द बैंक। तो कितनी ये रूल को तोड़ने के लिए इसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज हुई है HDFC बैंक के ऊपर, क्या वायोलेट किया इसने, रेगुलेटरी कंप्लायंसेज, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अंदर जो कंप्लायंसेज हैं उसने इसको क्या किया, वायोलेट किया है। सो इसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज हुई है स्टूडेंट्स वो है 10 करोड़ रुपीज़ की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके MBA BA इन सारे एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेक बस्टर इज अ यूनिक फेशियल डिटेक्टर टूल launched by which institution to prevent imposters from attending video conferencing and identify manipulated faces on social media। अब देखो सारे options में बेटा IIT है, ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे मैनेजमेंट के लिए IIMs होते हैं, ठीक है, एम्स होता है मेडिकल्स के लिए, ऐसी IIT, तो कौन सा IIT, IIT रूपर। ओके, IIT रूपर। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम EDLI विद एनहांस्ड एंड लिबरलाइज्ड फीचर्स टू फैमिलीज ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू कोविड। एज पर द न्यू नॉर्म्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बेनिफिट अंडर दिस स्कीम शैल बी। ओके, जिन लोगों की इस COVID-19 में डेथ हो गई उनकी फैमिलीज को कितने रुपए तक का इंश्योरेंस है स्टूडेंट्स, 7 लाख। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि आपको पता है इन सीरीज में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आपको पता है इन सारे वीडियोस की PDF जो मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी ये करंट अफेयर्स इनकी PDF आपको यासर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे बच्चों ने उनको डाउनलोड भी किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी इंडियन पीस कीपर्स हैव बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस UN मेडल डैग हैमर्सजॉल्ड मेडल पेस्थोमोस्टली फॉर द ईयर 2021 फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, दैट इज 3। ओके, 3, द करेक्ट आंसर दैट इज B, 3।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF हैज अनाउंस्ड टू रीनेम द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अंडर इट्स स्कोप, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ IBF? ओके सो इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ. ओके अब बहुत सारे मैं बताऊं स्टूडेंट्स, आप सारे लोगों को ISI के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे इंडियंस हैं जिनके बेटा इंडिया के इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं है. तो इंडिया का इंटेलिजेंस कौन है? रॉ. ओके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर 1 year टिल जून 2020. सो द करेक्ट आंसर इज समंत कुमार गोयल. ओके ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एंड डियरनेस रिलीफ फ्रॉम July 1, 2021. व्हाट विल बी द न्यू रेट? सो न्यू रेट विल बी 17. ओके नया रेट कितना है बेटा? 17%. महंगाई भत्ता और डियरनेस रिलीफ कितना कर दिया गया उसका न्यू रेट? 17%. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लर्न बाय हर्ट स्टूडेंट्स, और इसकी PDF आपके पास है, और साथ के साथ मैं यहाँ पर आंसर्स बताता चल रहा हूँ. तो आप एक काम और करिएगा, जिस मंथ की करंट अफेयर्स हैं आप खुद से उनकी एक आंसर की बनाइए. ओके इतना भी डिपेंडेंट ना करिए कि आंसर की भी मैं बना कर दूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे आंसर्स आपको कर रहा हूँ. ओके नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा सक्सीडिंग थावर चंद गहलोत. ओके द करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल. ओके द करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल. नेक्स्ट डे विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, इन शॉर्ट WYSD, दैट इज July 15. ओके 15 जुलाई. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च्ड द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन NAM फॉर द 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम 2021-22. हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द स्कीम, दैट इज 4607.3 crore. 4607.30 crore का अमाउंट सेंक्शन किया गया है जी इस स्कीम के लिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट इन विच डेट इंस्ट्रूमेंट. ओके कौन कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा होगा कमर्शियल बिल होता है, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. तो कौन सा है हमारे पास? G-Secs. ओके G-Secs. नेक्स्ट इज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी हैज अनाउंस टू कंस्ट्रक्ट 4750 megawatt इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन विच रीजन, दैट इज रेन ऑफ कच्छ. ओके द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट स्टूडेंट, द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैव बीन अनवील्ड इन विच सिटी. सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है हमारे पास गांधीनगर. ओके द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर बहादुर द्योबा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली. तो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा ये नेपाल. ठीक है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 स्टेट्स दैट बिटवीन 720 एंड 811 million पीपल इन द वर्ल्ड फेस्ड हंगर इन 2020 विच इज अराउंड 161 million मोर इन 2019. द रिपोर्ट इज रिलीज एनुअली बाय विच बॉडी? कौन सी बॉडी है? वो है FAO. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हैज अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट टू इंडिया फॉर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन विच ईयर? 2026. ओके सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस
जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे यासिर अली क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर्स का ऑप्शन होगा, करंट अफेयर्स के ऑप्शन में आपको मंथ वाइज आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और जो लोग न्यू हैं हमारे इस चैनल पर तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हम लेकर आएँ वो सब आपसे आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।